नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझोगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। संघ प्रमुख को झंडा भेंट करने जा रहे कांग्रेसियों और पुलिस में झूमा झटकी। भोपाल में कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल प्रवास के दौरान संघ मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उन्हें झंडा भेंट करने जा रहे थे। तभी उन्हें पहले कांग्रेस कार्यालय पर तथा फिर व्यापम चौराहे पर रोक लिया गया, जहां उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये झंडा भेंट किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि संघ कार्यालय पर कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, जबकि संघ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में अपने समविचारी संगठनों के माध्यम से पूरे वर्ष से ही स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत साल भर में हजारों हजार कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज देने जा रही थी, उनको रोक दिया गया। अरे यार, तो उधर जाओ ना भैया। आप लोग तिरंगा देने जा रहे थे, आप लोग को रोका गया है, भी की गई है, जमकर धक्का मुक्की हुई है, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी को तिरंगा भेंट करने जा रही थी, और एक आरएसएस से संबंधित पुस्तक है वो भी उन्हें भेंट करने जा रही थी, परंतु पुलिस द्वारा मम्मा नीचे करो यार, पूरे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को पुलिस बल के द्वारा घेर लिया गया। मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर तक पहुँचे, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुँचे, और जब मम्मा कहा कि ये तिरंगा मैं भेंट करने के लिए जा रही हूँ, ये तिरंगा भेंट करना कोई अपराध नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का अभिमान है, हमारे देश का स्वाभिमान है, और उस गौरव के प्रति तिरंगे को जब मैं देने जा रही हूँ तो पुलिस बल द्वारा मुझे रोका जा रहा है, मुझे मोहन भागवत जी तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मोहन भागवत जी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, इस वजह से हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो हम तो आज़ाद भी करवाने वाले लोग हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं, हम अपराध करने तो जा नहीं रहे थे, उन्हें तो तिरंगा सम्मानपूर्वक लेना चाहिए था, उन्होंने हमसे तिरंगा नहीं लिया, इससे साफ साबित होता है कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने संगठन से भी कहें कि वो तिरंगा अपने कार्यालय पर भी लहराएं, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी कहें कि वो अपने दफ्तर से तिरंगे का विक्रय न करवाएं। क्या मानते हैं, क्यों कांग्रेस ने जब जो कांग्रेस ने फैसला किया था उसको क्यों रोका जा रहा है? सरकार क्या मोहन भागवत तक नहीं पहुँचने देना चाहती कांग्रेस? सरकार की दमनकारी नीति है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना उनका कार्य है, और वो चाहते हैं कि हम एक तरफा राज करें, कोई विरोध ना करें, जबकि हम ये विरोध नहीं कर रहे थे, हम सम्मानजनक उन्हें तिरंगा देने जा रहे हैं। ठीक है, किताब जो है, किताब अभी नहीं ली है पुलिस अधिकारियों ने लेने से मना कर, देने जाएंगे? देखिए, उन्होंने अगर हमसे किताब नहीं ली है, क्योंकि उन्होंने कहा हम तिरंगा सम्मानजनक लेना चाहते हैं, हमने सम्मानजनक उन्हें तिरंगा दिया है, यदि किताब उन्होंने शायद किताब को वो सम्मानजनक नहीं मानते होंगे, और इस वजह से उन्होंने हमसे किताब नहीं ली है, पर हम किताब को भी बाई पोस्ट पहुँचाएंगे। डॉक्टर मोहन भागवत तक पहुँचे, और मोहन भागवत जी सम्मानजनक से अपने कार्यालय पर लगाएं, और उम्मीद करती हूँ कि वे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कहें कि वे तिरंगों को बेचे ना, तिरंगे का सम्मान करें, इस तरीके से हमारे देश के गौरव को इस तरीके से अपमानित ना किया जाए, और मैं सम्मानजनक तरीके से उन्हें भेंट करना चाहती हूँ, उनके प्रतिनिधि मेरे सामने हैं। हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की। चलिए चलो यार, फाइट नहीं होनी है, फाइट नहीं, हिंदुस्तान फाइट नहीं होनी है, भागवत जी को धंधा देने का प्लान कर रहे थे, इसके बारे में कोई पहले सूचना हम लोग को नहीं दी गई, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग चीजें प्लान करते हैं, जो भी प्लान करते हैं और प्रोग्राम को समय प्लान करते हैं। तो आज इनके कार्यालय में बात की, उन्होंने बात करने की हम लोगों से बात की, और पॉसिबल लाइन ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए झंडा इनसे दे लिया गया है, और ये बाकी उन्होंने अपनी न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया की के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए बोल दिया। ठीक, थैंक यू। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।